के फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 मीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, हाईवे के ऊपर 100 किलोमीटर दूर है 100, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी, दे बी एट सेम टाइम, इफ द कार्स ट्रेवल्स इन ए सेम डायरेक्शंस एट द सेम स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स, इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, व्हाट आर द स्पीड ऑफ द कार्स। तो 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है दोनों है तो वो एक बार सेम डायरेक्शन में चलती हैं और एक बार अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, तो क्या फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ द कार। तो सॉल्यूशन, मान लीजिए ये कोई प्लेस ए है, ये बी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, तो यहां पर एक कार है, यहां पर सेकंड कार है, तो क्या करेंगे कि स्पीड लेट करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। लेट स्पीड ऑफ कार एट ए, ए पर जो कार है उसकी स्पीड कितनी है, मान लो x किलोमीटर, स्पीड ऑफ सेकेंड कार एट बी y किलोमीटर, दोनों की स्पीड सेम डायरेक्शन में शुरू करते हैं सबसे पहले, अनदर इन द सेम एट द सेम टाइम ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, ये भी इधर चल रही है, ये भी इधर चल रही है, तो इसका मतलब क्या है, 100 किलोमीटर उनके बीच में डिस्टेंस है, उन्होंने मिलना है, ये भी चल रही है, ये भी, इस कार की स्पीड ज्यादा है इसकी कम है, लेकिन ये मिलेगी तो एक घंटे में वो कुछ और आगे निकल जाएगी, ये भी आगे निकल जाएगी, तो ऐसे कब मिलेंगी, इस क्वेश्चन के अंदर 5 घंटे में मिलेंगे, इसका मतलब उनकी स्पीड माइनस हो रही है, माइनस होने का मतलब एक दूसरे को काट रही है, अगर सीधा यहां से आना होता तो डायरेक्ट पहुंच जाते, ये थोड़ा आगे चली जाएगी कार, आगे चली जाएगी तो वो स्पीड मतलब माइनस हो रही है, तो क्या करें, व्हेन दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन होगी तो स्पीड को हम इस प्रकार से माइनस कर देंगे जो सेकंड कार की है किलोमीटर पर। मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी ये ऐसा क्यों किया है, तो डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू, यू नो वेरी वेल, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो 100 किलोमीटर यहां पर डिस्टेंस है और स्पीड कितनी है x माइनस y, और टाइम कितना लेती है मिलने में 5 घंटे, तो ये देखिए x, ये 5 इसके नीचे ले आए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100/5, तो कितना आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब देखते हैं सेकंड केस क्या बोलता है, केस सेकंड मतलब ये इधर चलेगी, ये इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में चलना है, तो अब ये दोनों स्पीड प्लस हो रही है, डिस्टेंस भी जल्दी कवर हो रहा है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, व्हेन कार्स ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन देन स्पीड x plus y किलोमीटर पर आवर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस कितना कवर करना है 100 किलोमीटर, स्पीड कितनी है x माइनस y, टाइम कितना लग रहा है 1 घंटा, x plus y तो टाइम कितना लग रहा है 1 घंटा, तो एक को मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, x plus y is equal to 20, x minus y is equal to 20, x plus y is equal to 100. तो elimination method का use करते हुए, subtract equation 2 from equation 1, x plus y is equal to 100, x minus y is equal to
20 माइनस प्लस माइनस ये कट गया y प्लस y 2y 100 में से 100 में से 20 गया 80 तो 2y इज इक्वल टू 80 देन y इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 40 तो y क्या थी स्पीड जो कार एट b थी उसकी स्पीड तो निकल गई तो नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं x माइनस y इज इक्वल टू 20 x माइनस 40 इज इक्वल टू 20 x इज इक्वल टू 20 40 को इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर तो हमने लेट क्या किया था दोनों कार की स्पीड कैलकुलेट करनी थी बटा द स्पीड ऑफ द कार स्पीड ऑफ कार फर्स्ट इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर तो स्पीड ऑफ कार जो सेकंड थी एट बी पर थी उसकी 40 किलोमीटर दिस इज द तो आइए देखते हैं फोर्थ का फिफ्थ पार्ट इसके अंदर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर dimensions हमें calculate करनी है rectangle की तो उसी को let करेंगे और उसका area भी निकालेंगे तो let करेंगे ये हमारे पास suppose करो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ हम लेट कर लेते हैं एक्स और ब्रेथ का लेट कर लेते हैं वाई तो लेट सॉल्यूशन लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स यूनिट और ब्रेथ यूनिट यहां कुछ भी हो सकता है मीटर सेंटीमीटर फुट लेकिन हमारे पास यहां यूनिट है तो यूनिट ही लेंगे कुछ भी हो सकता है तो एरिया इसका क्या होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ यानी एक्स इनटू वाई स्क्वायर यूनिट तो अब क्वेश्चन को हम करें केस वन हम पढ़ते हैं द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट तो एरिया 9 यूनिट कम हो जाता है कब ये हमारा पुराना एरिया था इसमें से 9 ये एरिया था इसमें से कितना कम हो गया 9 कब इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट लेंथ कितनी कम कर दें 5 और ब्रेथ बढ़ा दें इंक्रीज बाय 3 यूनिट तो ब्रेथ हमने बढ़ा दी तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया दिस इज न्यू लेंथ दिस इज न्यू ब्रेथ दिस इज न्यू एरिया तो इसको हम सॉल्व करते जाएंगे पहले x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर y माइनस 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहां भी एक्स वाई है वहां भी एक्स वाई है कट गया 3x माइनस 5 बाई माइनस 9 ये 15 इधर आकर के प्लस हो जाएगा 3x माइनस 5 बाई इज इक्वल टू 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6 दिस इज इक्वेशन नंबर 1 तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है तो सेकंड केस हम देखते हैं केस सेकंड सेकंड केस में क्या हो रहा है इफ वी इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट लेंथ को कितना इंक्रीज कर दें पहले कितनी थी x अब इंक्रीज कर दी थी ब्रेथ को 2 ये ब्रेथ कितनी थी y अब इंक्रीज कर दी एरिया इंक्रीज बाय 67 अब इसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें फिर 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें और ऐसे धीरे धीरे आप करते जाएं जल्दबाजी ना करें 2x प्लस 3 बाई 67 ये 6 को इस साइड ले आए 2x
प्लस 3y इज इक्वल टू 61, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ देखिए 2 है, इक्वल करने के लिए एलसीएम आ गया इनका 6, तो यहाँ 6 बनाना है। 6 बनाने के लिए जो तो है इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 3। 3 को कितने से मल्टीप्लाई, 2 को कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 3 के एंड सब्ट्रैक्ट, और उनको क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 6x 10y इज इक्वल टू 12। ऐसे ही 3 से मल्टीप्लाई करें, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 61 को 3 से करेंगे, 3 बन जा 3, 6 3 जा 18। माइनस 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 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों माइनस किया, माइनस 19y, 3 में से 2 गया 171 आ गया, माइनस 171 ओवर में माइनस 19, माइनस से माइनस गया, 9 के टेबल पे गया, सीधा 9 आ गया, y इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, x की कैलकुलेट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1, 1 में पुट करते हैं, 1 इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, तो 3x माइनस 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 6, 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 6, तो 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 45, तो देखिए 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 45, तो 3x इज इक्वल टू 51, दोनों को ऐड कर दिया, x इज इक्वल टू 51 डिवाइड बाई 3, कितना आ गया 17, तो x आ गया 17, y आ गया 9, तो दोनों की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। x क्या था, डायमेंशंस देखते हैं रेक्टेंगल की, डायमेंशंस मतलब साइड्स, तो लेंथ कितनी है x थी, x कितना है 17 यूनिट, इसी तरह ब्रेड्थ कितनी है 9 यूनिट, दिस इज द आंसर, लेंथ आगी 17 यूनिट और ब्रेड्थ आगी 9।